नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी को कल पूछताछ के लिए समन भेजा। ये उनके पेश होने के लिए जारी तीसरा समन है। इससे पहले वह दो बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है। वर्षा राउत को मुंबई के केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ये अपने पेश होने के लिए जारी तीसरा समन है। इससे पहले वह दो बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई है। पूछताछ के लिए उन्हें समन संशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। रसीद के बारे में होगी पूछताछ। अधिकारी सूत्रों के दावा किया कि ईडी वर्षा राउत से उस राशि की रसीद के बारे में पूछताछ करना चाहता है जिसका कथित तौर पर बैंक से गबन किया गया है। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL इसके प्रमोटर राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन, उसके पूर्व अध्यक्ष वी सिंह और पूर्व प्रबंधन निदेशक जॉय थॉमस के खिलाफ PMLA के एक मामला दर्ज किया था। 4355 करोड़ का है गबन। एजेंसी ने पीएमसी बैंक को कथित रूप से प्रथम दृष्टा गलत तरीके से 4355 करोड़ रुपए का नुकसान और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान किया था। राकांपा और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की हिस्सा शिवसेना ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रही है। हाल ही में शरद पवार की पार्टी राकांपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को भी ईडी ने पुणे के भोसरी इलाके में एक भूमि सौदे के जुड़े धनशोधन मामले के संबंध में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है।